अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमाद में प्रातः 6 बजे उनके समस्त स्टाफ द्वारा योगासन किए गए। वहीं चिकित्सक डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि लोगों को योगासन के प्रति जागरूकता बढ़ी है, बहुत सारे लोग इसके महत्व को समझने लगे हैं और हमारे संस्थान के अधिकतर स्टाफ द्वारा नियमित रूप से योगासन किए जा रहे हैं। राजा, क्या कार्यक्रम रखा था? ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इसके अवसर पर हमारे सभी स्टाफ द्वारा, इसमें अधिकारी कर्मचारियों के अलावा आसपास के लोग भी इसमें शामिल हुए और बहुत ही जोश के साथ ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आज जो है योग किया गया। और यहाँ होशियार सिंह जो योग गुरु हैं, इनके द्वारा वाकई बहुत शानदार सहयोग किया गया, जिससे कि हम लोगों ने बिल्कुल विधिवत तरीके से योगासन किए और बहुत सारे लोगों ने इस योगासन करने के बाद इस बात को महसूस किया कि अगर हम इसको अपनी नियमित दैनिक दिनचर्या में ले आएंगे तो निश्चित ही हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और अपने कार्यों को और अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। तो योग करने से और क्या फ़ायदा होते हैं? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज योग मतलब जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो इतनी चेंज हो गई है कि हम लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह बहुत कम हो गई है, तो यहाँ ऐसे में योग का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अगर हम सुबह थोड़ा सा वक्त योग के लिए निकाल लेते हैं तो हमारा जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं ये अच्छे से इनका कोऑर्डिनेशन हो जाता है और जो हमारी स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उस वो प्रॉपर स्ट्रेच हो जाती है और हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने से और अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। तो हमने